वेलकम माय डियर स्टूडेंट, अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जहां मिलते हायर मैथमेटिक्स रिलेटेड अनेक टाइप का वीडियो। अगर वो यूनिवर्सिटी विद्यार्थी हैं तो इनके लिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, बीएससी, एमएससी, आईआईटी एग्जाम, नेट, गेट, इस तरह के अनेक कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए ये बेहतरीन चैनल, जो आपके बेहतरीन टॉपिक को बेहतरीन बनाता है, राइट। और अगर वो विद्यार्थी 11, 12 के हैं या फिर आईआईटी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, तो इस चैनल पे उनका भी सिलेबस पूरी लेसन वाइज, चैप्टर वाइज पूरी तरह से पूरी कॉन्सेप्ट के साथ दिए जाएंगे, राइट। चलिए, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो पिछले वीडियो में मैंने बताया, सॉल्वेबल फॉर वाई का जो भी इक्वेशन है उसके बारे में सोल्व करेंगे, और भी क्वेश्चन हम बताएंगे, ताकि इस पर बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ताकि जो भी विद्यार्थी को कॉन्सेप्ट कुछ रह सके उसको पूरा हो सके, राइट। चलिए तो देखते हैं इसका क्वेश्चन की ओर। और अगर जो इसके पहले वीडियो नहीं पढ़े हैं वो विद्यार्थी जरूर, इसका प्लेलिस्ट में टोटल वीडियो डाल दिया गया, आपके यूनिवर्सिटी का टोटल सिलेबस इस चैनल पे पूरा अपलोड कर दिया गया है, चाहे वो इंडिया का कोई भी यूनिवर्सिटी का सिलेबस हो, वो सभी इस चैनल पे अवेलेबल रहेगा, राइट। चलिए तो क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। जो सामने दिख रहा है वाई इक्वल टू पी साइन पी प्लस कॉस पी, राइट। देखेंगे तो सबसे पहले इसमें हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इस क्वेश्चन को, सॉल्यूशन जो भी मैंने थ्योरी दिया है और क्वेश्चन दिया है, उस क्वेश्चन को पिछले वीडियो में मैंने इस क्वेश्चन को एच डब्ल्यू के रूप में दिया था, तो इसको आज इस लेक्चर में मैंने पूरा इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं, और आज बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, देखते जाइएगा। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, डिफ्रेंशिएट किया गया डी वाई डी एक्स, और यहां यू इंटू भी पी हो गया साइन पी वाई डी एक्स प्लस साइन पी डी पी वाई डी एक्स, फिर यहां भी कॉस पी वाई डी एक्स, ये हो गया डी पी वाई डी एक्स, को यहां पी बोल सकते हैं, पी साइन के डी सी क्या हो गया कॉस पी डी पी वाई डी एक्स, राइट। यहां पे हो गया साइन पी डी पी वाई डी एक्स, और इसके बाद जरा देखिएगा कॉस का डी सी माइनस साइन पी और डी पी वाई डी एक्स, ये पूरा टर्म कट जाएगा, जो टर्म बचा है वो सामने, यहाँ पी इक्वल्स टू पी कॉस पी और डी पी वाई डी एक्स, इसमें से पी से पी भी कैंसिल कर सकते हैं, वन बराबर कॉस पी डी पी वाई डी एक्स। अब एक्स को एक तरफ और वाई को एक तरफ करके हम इसका इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये डी एक्स डिवाइड से मल्टीप्लाई की ओर जाएगा ये, और कॉस पी डी पी, अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन का टर्म सेट करते हैं। देखिए जो विद्यार्थी इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं, इसके पहले लेक्चर को पूरी तरीका से थ्योरी के साथ देख लीजिएगा, ताकि दिक्कत ना हो सके, हालांकि कोई दिक्कत ना होगा, पूरी बेहतरीन के साथ समझा रहे हैं। डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, कॉस का हो जाएगा साइन पी डी पी प्लस सी, जो सामने दिख रहा है कंप्लीट रूप में, ज्यादा से ज्यादा हम सी को ये सेट कर लेंगे तो इससे टर्म जो आएगा वो कंप्लीट दिखेगा। देखिएगा यहां लिख सकते हैं कि साइन पी बराबर सी एक्स माइनस सी, यानी एक्स माइनस सी साइन पी का वैल्यू, अगर इसे हम कॉसी का वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे तो कॉसी का क्या आ जाएगा, कॉसी का कॉस सी का फॉर्मूला वन माइनस साइन स्क्वायर, यानी साइन का क्या है वन माइनस सी का इतना का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसी से वैल्यू मैंने पुट कर दिया, राइट। अब इसमें हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं तो y इक्वल्स टू पी साइन पी, और यहाँ पे हो गया कॉस पी, और यहाँ गलती कर दिया, कॉस पी ना होना चाहिए, तो यहाँ पी हो गया, और साइन पी का वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स माइनस सी, और कॉस पी का ये लिखा हुआ है पूरा फंक्शन वन माइनस एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर। तो इस तरह का जो पार्ट है सामने दिख रहा है, और इसी तरह से जो है ना
इस टर्म को सॉल्यूशन का रूप दिया जाएगा, जिसमें से एक चीज और हम बताना चाह रहे हैं क्या कि अगर हम इसमें लिखना चाहेंगे p का ही वैल्यू ना, तो p का वैल्यू तो लिख ही सकते हैं, p का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए p का वैल्यू, क्योंकि p को तो एलिमिनेट करना होता है, और p को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ से लिख सकते हैं p का वैल्यू ये हो गया पहले x माइनस सी रहने देते हैं, और p का वैल्यू वहाँ से साइन इनवर्स x माइनस सी, और ये रहा कंप्लीट सोल्यूशन जो दिख गया, रिक्वायर्ड सोल्यूशन, रिक्वायर्ड सोल्यूशन, राइट। देख लीजिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए, कमेंट में जहां दिक्कत है वहां कमेंट में बोलिएगा, ताकि उसका भी जवाब दिया जाएगा बेहतरीन तरीका के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इधर इसका सोल्यूशन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, ई के पावर वाई इक्वल टू पी के पावर थ्री प्लस पी, सोल्यूशन ई के पावर वाई इक्वल टू पी के पावर क्यू प्लस पी, इक्वेशन फर्स्ट, डिफ्रेंशिएट किया जाएगा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, ई के पावर वाई का डिफ्रेंशिएशन, ई के पावर वाई डी वाई डी एक्स, राइट। और यहाँ पे पी के पावर थ्री, थ्री पी स्क्वायर डी पी वाई डी एक्स और डी पी वाई डी एक्स। अब यहाँ पे एक चीज और क्या कर सकते हैं, ई के पावर वाई है, डी वाई डी एक्स को पी लिख सकते हैं, और यहाँ थ्री पी स्क्वायर डी पी वाई डी एक्स। अब यहाँ पे कहीं तो डॉट दिख नहीं रहा, ज़्यादातर दोनों को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, इसमें से हम कॉमन ही डाइट कर लेते हैं, वन प्लस इतना आ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज और कर सकते हैं, ई के पावर वाई का वैल्यू यहां से पुट कर देते हैं, पी के पावर थ्री प्लस पी, ई के पावर वाई का है इंटू पी, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो पार्ट है ये टर्म को हम सेट कर लेते हैं, थ्री पी स्क्वायर प्लस वन डी पी वाई डी एक्स, ठीक है, देख लीजिए। चलिए तो हम इसका एक पार्ट और करते हैं कि इस दोनों में से हम पी कॉमन करते हैं, तो यहाँ पी स्क्वायर आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस वन, और यहाँ पी स्क्वायर और थ्री पी स्क्वायर प्लस वन डी पी वाई डी एक्स, डी एक्स को ये साइड और इसको ये साइड कर दे रहे हैं, डी एक्स को ये साइड कर दिया, और इस पार्ट को लेकर के थ्री एक्स थ्री पी स्क्वायर प्लस वन, और यहाँ पे आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस वन, और यहाँ पी स्क्वायर डी पी, ठीक है। दोनों तरफ लगा देंगे इंटीग्रेशन, लगाएंगे क्या इंटीग्रेशन, देखिएगा इंटीग्रेशन का पार्ट डी एक्स, और यहाँ पे इंटीग्रेशन थ्री पी स्क्वायर प्लस वन, और यहाँ पे पी स्क्वायर और पी स्क्वायर प्लस वन डी पी, और डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा। और इस पार्ट के लिए देखिएगा यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस वन, देखिए थ्री पी स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, थ्री पी स्क्वायर प्लस वन, और डिवाइड में जो है पी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस वन। देखिए इंटीग्रेट करने का तरीका, इसको ब्रैकेट कर लेते हैं, इतना व इतना और इतना व इतना करते हैं, देखिएगा यहाँ टू पी पी स्क्वायर पी स्क्वायर और पी स्क्वायर प्लस वन डी पी, और फिर इसके बाद इतना करते हैं तो पी स्क्वायर प्लस वन और पी स्क्वायर प्लस वन डी पी, ये कटेगा तो टू बाहर होगा वन प्लस ये डी पी, और ये कटेगा तो वन बाई पी स्क्वायर डी पी, और यहाँ पे टू हो गया, और इसका हो गया टेन इनवर्स पी, और इसका हो गया p के पावर माइनस वन प्लस सी, राइट। अब इसको जो है इक्वेशन मान लेते हैं सेकेंड, और फर्स्ट और सेकेंड दोनों को मिलाकर सॉल्यूशन कर देंगे, वही आ जाएगा इल्यूमिनेटिंग p। तो यहाँ लिखेंगे क्या एक लाइन में, x बराबर टू टेन इनवर्स p वन माइनस पी प्लस सी, यहाँ पे लिखेंगे p इल्यूमिनेट, ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, इतना ही पर छोड़ देना है, p इल्यूमिनेट इक्वेशन, इसको सेकेंड मान लेते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड, पी इल्यूमिनेट फर्स्ट एंड सेकेंड रिक्वायर्ड सॉल्यूशन,
रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि अब पी का वैल्यू दोनों मिला के सोल्यूशन करेंगे फर्स्ट सेकंड को, तो जो पी का एलिमेंट होगा या तो फिर इतना ही एग्जाम में छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को सोल्यूशन करते हैं। देखिएगा सोल्यूशन, वाई इक्वल्स टू टू पी एक्स प्लस पी स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब डिफ्रेंशिएट जब किया गया तो कॉन्स्टेंट पार्ट बाहर, यहाँ पे पी डी एक्स वाई डी एक्स, पी पी तो हो गया बाहर, अब एक्स डी पी वाई डी एक्स, राइट, और पी स्क्वायर का डीसी टू पी डी पी वाई डी एक्स। यहाँ पे डी वाई डी एक्स तो वैल्यू पी लिख सकते हैं, यहाँ पे टू और ये हो गया p और x डी पी वाई डी एक्स प्लस टू पी डी पी वाई डी एक्स, यहाँ हो गया p 2p और ये 2x डी पी वाई डी एक्स 2p डी पी वाई डी एक्स, ये आगे घटेगा माइनस p और यहाँ पे 2x प्लस 2x प्लस 2p यहाँ पे डी पी ऐसे, राइट। जरा देख लीजिए सोल्यूशन, यहाँ पे से टू कॉमन भी कर सकते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ा देते हैं, टू कॉमन करते हैं तो एक्स प्लस पी डी पी वाई डी एक्स, और ये साइड हम ये साइड में लेके चलते हैं, इसको हम यहाँ से लेके चलाते हैं, तो लिखेंगे का डी एक्स वाई डी पी और यहाँ पे टू टू एक्स प्लस पी और माइनस पी, और यहाँ पे एक फॉर्म को हम सेट कर लेते हैं ऐसे डी एक्स वाई डी पी इक्वल्स टू टू एक्स माइनस पी और यहाँ पे जगह माइनस टू पी वाई पी, तो यहाँ डी एक्स वाई डी पी और प्लस टू वाई पी इंटू एक्स और इक्वल्स टू माइनस टू, जो सामने दिख रहा है पूरी तरीका के साथ देख लीजिए। अब इसका सॉल्यूशन का फॉर्म हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ सेट करेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू के फॉर्म से सेट होगा, तो यहाँ पी का जो फॉर्म है टू वाई पी, ठीक है, और यहाँ पे क्यू का जो फॉर्म है माइनस टू। अब यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर का टर्म सेट करेंगे ई के पावर पी और डी एक्स लिख देंगे e के पावर टू लॉग पी और p चलेगा p के ऊपर भी चलेगा टू, e और log दोनों कैंसिल पी स्क्वायर। अब यहाँ पे करेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का फॉर्म देखिए क्या होता है, पी इंटू आई एफ, पी इंटू आई एफ नहीं, यहाँ पे x इंटू आई एफ ना, क्योंकि y के स्थान पर यहाँ x है, x q इंटू आई, यहाँ पे p के रिस्पेक्ट में ना है, p के रिस्पेक्ट थोड़ा सा गलती लिख दिया था, यहाँ पे डी पी प्लस सी, यहाँ एक्स है आई एफ, आई एफ का वैल्यू है पी स्क्वायर और क्यू का जो वैल्यू है माइनस टू, आई एफ वैल्यू है पी स्क्वायर डी पी प्लस सी, एक्स पी स्क्वायर माइनस टू पी के पावर थ्री बाई थ्री प्लस सी, ठीक है। अब इसके बाद जो है ना, इस फॉर्म को इतना भी छोड़ सकते हैं क्वेश्चन सेकंड लिख करके, राइट। अब इसके बाद क्या करते हैं देखिएगा, इसको हम क्या करते हैं कि p का वैल्यू इधर करें, डिवाइड में कर देते हैं, तो x बराबर माइनस टू पी बाई थ्री और प्लस c के पावर माइनस टू, और इस फॉर्म में हम इसमें हम पुट कर दे रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट में, ठीक है, x का वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं, तो y इक्वल्स टू टू पी और x का वैल्यू माइनस टू बाई थ्री पी प्लस सी पी के पावर माइनस टू प्लस पी स्क्वायर, राइट, और जो सॉल्यूशन करके आएगा वही कंप्लीट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर सकते हैं, इतना पर भी छोड़ सकते हैं, ठीक है ना, p को इमिनेट करने की कोशिश कीजिएगा, बस इतना ही। चलिए इसी तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है, एक क्वेश्चन देते हैं एल डब्ल्यू ग्रुप में, जो सोल्यूशन कीजिएगा जो आएगा वही कंप्लीट आंसर आते रहेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
चलिए, तो ये क्वेश्चन है जो सामने एच डब्ल्यू ग्रुप में है, इसको बनाना है और आंसर मिला लेना है जो सामने दिखा पी को एलिमिनेट करते हुए। तो आज इतना ही, फिर अगर इसी तरह से और भी क्वेश्चन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है बहुत सारा क्वेश्चन का, टेलीग्राम भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है टेलीग्राम का भी, उस पर भी जाइएगा तो क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाएगा, राइट। चलिए, तो अगर इस तरह से क्वेश्चन सभी को समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर विद्यार्थियों में ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि आगे के विद्यार्थियों को पढ़ाई संपूर्ण हो सके, क्योंकि टोटल यूनिवर्सिटी के लिए सिलेबस अपलोड किया जा रहा है, राइट। चलिए ठीक है, आज इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आज मैंने क्वेश्चन सोल्वेबल फॉर वाई के लिए सोल्व किया है, इसके पहले लेक्चर में पी के लिए किया था और नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे एक्स के लिए करेंगे, राइट। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए थ्योरी नए क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री, राइट। चलिए।